गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर संतोष अग्रवाल हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ हूँ बंसल हॉस्पिटल भोपाल में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह डिस्कस करेंगे कि किडनी स्टोन का क्या ट्रीटमेंट होता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं किडनी स्टोन की प्रॉब्लम लेके और सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेके किडनी स्टोन के बारे में, तो आपको कुछ ट्रीटमेंट एडवाइस करता है। तो आपको यह लगता होगा कि डॉक्टर्स किस बेसिस पे या क्या सोच के अलग अलग ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। कई बार एक ही स्टोन के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है और उसमें पेशेंट से डिस्कस किया जाता है कि कौन सा उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो इसके पहले कि हम किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करें, हम पहले किडनी की संरचना के बारे में समझ लें। किडनी हमारे शरीर में दो किडनी होती हैं, या गुर्दे जिसको हिंदी में बोलते हैं, दो किडनी होती हैं और जो शरीर में पीछे बैक साइड में होती है। और किडनी यूरिन प्रोड्यूस करती है और जो यूरिन होता है एक दो गुर्दे की नलियों के द्वारा, जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, नीचे पेशाब की थैली में आता है। पेशाब की थैली में यूरिन स्टोर होता है और फिर मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। सिमिलरली जब किडनी में स्टोन बनते हैं तो स्टोन निकलने का भी मार्ग यही होता है। किडनी में पहले रहते हैं, किडनी से वह यूरेटर में आते हैं, मूत्र नली में आते हैं, उसके बाद वो पेशाब की थैली में आते हैं, उसके बाद वो मूत्र मार्ग से निकल जाते हैं। तो जब भी स्टोन बनता है तो जो किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट होता है वह कुछ तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है कि आपके किडनी स्टोन का साइज कैसा, कितना है, कितने एमएम का है, कितना बड़ा है। दूसरा होता है किडनी स्टोन की लोकेशन क्या है, वो आपकी किडनी में है, यूरेटर में है, यूरेटर में अगर है तो अपर यूरेटर में है कि लोअर यूरेटर में है, या पेशाब की थैली में है। तीसरा, किडनी में स्टोन के साथ साथ क्या आपकी किडनी का फंक्शन भी डाउन है, किडनी में स्वेलिंग है, जिसको हम सोनोग्राफी में हाइड्रोनेफ्रोसिस के रूप में देखते हैं। चौथा, मेडिकल कंडीशन कैसी है, आपको शुगर, ब्लड प्रेशर या ऐसी कोई बीमारी है, आपको बुखार तो नहीं आ रहा। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको साथ में लिए जाते हैं, उस तथ्यों के आधार पे हम किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। अब किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट की बात करें तो अब किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट को मूलतः हम 5 हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है कि इसको हम बिना दवाइयों द्वारा उपचार, बिना ऑपरेशन के द्वारा उपचार, कुछ दवाइयों के द्वारा निकालने की कोशिश करते हैं, जिसको हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट बोलते हैं। दूसरा होता है लिथोट्रिप्सी या SWL ट्रीटमेंट के द्वारा, जिसमें कॉमन भाषा में लोग लेज़र ट्रीटमेंट बोलते हैं, हालांकि हम लोग इसको लेज़र नहीं मानते, इसको हम लिथोट्रिप्सी बोलते हैं, जिसमें बिना ऑपरेशन द्वारा पथरी को शरीर के अंदर तोड़ा जाता है। तीसरा होता है यूरेट्रोस्कोपी द्वारा, जिसमें पेशाब के रास्ते मूत्र मार्ग से नली दूरबीन डाली जाती है और पथरी तक पहुंचकर उसको लेज़र के द्वारा तोड़कर निकाल दिया जाता है, या एक दूरबीन द्वारा ऑपरेशन होता है। चौथा होता है कि हम PCNL ऑपरेशन के द्वारा पथरी को निकालते हैं। ऐसी पथरियाँ जो किडनी में हैं उसमें पीछे किडनी में छोटा सा होल करके PCNL ऑपरेशन द्वारा निकाल देते हैं। और पाँचवा होता है ओपन ऑपरेशन या लैप्रोस्कोपी विधि द्वारा ऑपरेशन, जो आजकल कम ही किया जाता है। हम ये पांचों विधियों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि बिना ऑपरेशन द्वारा, दवाइयों द्वारा ट्रीटमेंट, तो ऐसे स्टोन जो छोटे हैं वो दवाइयों द्वारा निकाले जा सकते हैं। कुछ दवाइयां होती हैं जैसे टैम्सिलोसिन आती हैं, कुछ पेन किलर्स होती हैं जो पेन को रिलीव करती हैं। अगर उसको थोड़ा वक्त दिया जाए तो छोटी पथरियाँ 10 से 12 दिन 15 दिन में निकल जाती हैं, और कई बार हम 3 से 4 हफ्ते 6 हफ्ते तक छोटी पथरियों को दवाइयों द्वारा निकालने की कोशिश करते हैं। कौन सी पथरी निकलेगी वह उस पर साइज़ और लोकेशन पर डिपेंड करता है। अमूमन यह देखा गया है कि जो 5 mm से छोटी पथरियाँ होती हैं 80% टाइम वह 10 से 12 दिन में निकल जाती हैं, और 5 से 8 mm की यूरेटर की पथरियाँ 50% टाइम 10 से 12 दिन निकल जाती हैं। जब ये पथरी 8 mm से बड़ी होती है तो फिर निकलने के चांस कम हो जाते हैं, और 10 mm से ऊपर की पथरी यूजली हम दूरबीन द्वारा ऑपरेशन एडवाइस करते हैं। दूसरा, कई बार किडनी में छोटी छोटी पथरियाँ रहती हैं जो कि दर्द नहीं करती हैं। ऐसी पथरियों को हम बिना दवाइयों द्वारा, खान पान में कुछ एडवाइस देके और पानी का इनटेक बढ़ा के, कुछ दवाइयों द्वारा उसको निकलवाने की कोशिश करते हैं। सेकेंड आपको मेथड हमने बताया लिथोट्रिप्सी द्वारा, या जिसके कॉमन हम लेजर बोलते हैं। इसमें पेशेंट को एक मशीन में लिटाया जाता है और उसमें शॉक वेव्स दी जाती हैं बाहर से, और शॉक वेव स्टोन पे फोकस होती है और स्टोन अंदर ही अंदर किडनी में टूटता है और नॉर्मल पेशाब के मार्ग के द्वारा वो पथरी बाहर निकलती है। इसमें पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती, OPD बेसिस पे ट्रीटमेंट होता है और वह नेक्स्ट डे ही अपना काम चालू कर सकता है। ऐसे ट्रीटमेंट में कई बार 3 से 4 बार आना पड़ता है और पथरी अपने आप टूट के निकलती है। इस विधि का सक्सेस रेट 70 से 80% होता है, 10 से 20% पथरियाँ जो कि हार्ड होती हैं वो नहीं निकलती, तो ऐसे में दूरबीन द्वारा ऑपरेशन एडवाइस किया जाता है। लिथोट्रिप्सी का जो मेथड है बहुत ही
सामान्य और पुराना मेथड है और काफ़ी लोग इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। दूसरा तरीका मैंने बताया यूरोट्रोस्कोपी का, जिसमें पेशेंट को एडमिट किया जाता है और पेशाब के रास्ते दूरबीन द्वारा स्टोन तक पहुंचा जाता है और फिर हम स्टोन तोड़ने की मशीन होती है हमारे ऑपरेशन थिएटर में, जिसको हम होलमेल लेजर मशीन बोलते हैं, उससे लेज़र द्वारा स्टोन को ब्रेक कर दिया जाता है और स्टोन को ब्रेक करके निकला दिया जाता है। और यूजली पेशेंट की सेम डे छुट्टी हो जाती है या अगले दिन छुट्टी होती है। कभी कभी ऑपरेशन के दौरान हम किडनी में स्टेंट भी डालते हैं, उसके लिए 15 से 20 दिन बाद स्टेंट निकलवाने के लिए आना पड़ता है। यूरेट्रोस्कोपी का प्रोसीजर नॉर्मल यूरेटर के स्टोन्स के लिए होता है या किडनी के छोटे स्टोन्स के लिए होता है, जिसमें हम फ्लेक्सिबल दूरबीन डाल के स्टोन को लेजर द्वारा तोड़ सकते हैं। चौथा प्रोसीजर मैंने बताया था PCNL ऑपरेशन। PCNL ऑपरेशन में पेशेंट को बेहोश करके एडमिट करना पड़ता है, जैसा कि पता ही है। पेशेंट को बेहोश करके पीछे किडनी में एक छोटा सा होल करके बहुत ही पतली सूक्ष्म दूरबीन डाली जाती है। दूरबीन डाल के स्टोन तक पहुंचा जाता है और होलमियम लेजर मशीन द्वारा या लेथोट्रिप्टर मशीन होती है हमारे पास पथरी तोड़ने की ऑपरेशन थिएटर के अंदर, उसमें स्टोन तोड़ के पूरा स्टोन निकाल लिया जाता है और ऑपरेशन के बाद हम पूरा स्टोन पेशेंट्स को भी देते हैं और यूजली अगले दिन छुट्टी हो जाती है। पेशेंट एक हफ्ते बाद अपना काम चालू कर सकता है और इसमें इस ऑपरेशन का स्टोन सक्सेस रेट ज़्यादा रहता है लिथोट्रिप्सी से या लेजर ट्रीटमेंट से, क्योंकि इसमें नॉर्मली यह देखा गया कि पूरे स्टोन एक बार में निकाले जा सकते हैं, बार बार आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे कॉमन बड़ी पथरियों के लिए यह PCNL ऑपरेशन किया जाता है, नॉर्मली 15 से 20 mm से ऊपर की पथरियों में, जिसमें किडनी में छोटा सा होल कर दूरबीन द्वारा निकाल दिया जाता है। और आखिरी तरीका जो मैंने बताया ओपन ऑपरेशन द्वारा, पुराने ज़माने में जब दूरबीनें विकसित नहीं थे तब ओपन सर्जरी होती थी, जहां साइड में चीरा लगा के पथरी निकाली जाती थी। आजकल यह विधि बहुत ही कम है, पिछले 10 साल में हार्डली 5 पेशेंट का भी हमने ओपन द्वारा ऑपरेशन नहीं किया। यह ऐसे सेंटर्स में होता है जहाँ पर यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, जहाँ लेजर मशीन अवेलेबल नहीं, जहाँ दूरबीनें अवेलेबल नहीं है या ऐसे विशेषज्ञ अवेलेबल नहीं, वहाँ ओपन विधि द्वारा ऑपरेशन किए जाते हैं। तो यह संक्षेप में किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी हुई। अगर आपको किडनी स्टोन है तो आप यूरोलॉजी विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं और जो फैक्टर्स मैंने बताए कि किडनी स्टोन का जो लोकेशन है, साइज़ है और बाकी आपकी जो मेडिकल बीमारियां हैं उसको देख के वो डिसाइड कर सकते हैं और आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है। धन्यवाद।